वेलकम वेलकम फ्रेंड फॉर दिस लेक्चर ऑफ बिलीवर हिस्टोलॉजी। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द हिस्टोलॉजी ऑफ मैमल इन लीवर। द मेन द डायग्राम दैट यू आर शोइंग इज मेनली फ्रॉम द पीक्स लीवर। पीक के लीवर का ये डायग्राम है। सो लेट्स टॉक अबाउट द लीवर। लीवर इज वेरी मच वाइटल ऑर्गन। तो लीवर जो हमारा है वो बहुत हमारा वाइटल ऑर्गन है। वाइटल मतलब कि वी कांट लीव विदाउट द लीवर। पर्सन कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द लीवर। एंड उसका अगर हम हिंदी में बात करें तो रूटीन लाइफ में भी आम लोग को पता है वो कितना महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि हमें किसी को मिसाल देनी होती है कि उपमा देनी होती है कि किसी को हमें कंपेयर करना होता है। हम कहते हैं किसी कोई बच्चा होता है तो ये हमारा कलेजे का टुकड़ा है। कलेजे का टुकड़ा मतलब इट इज सो इम्पोर्टेंट, विदाउट विच वी कैनॉट सर्वाइव। तो लीवर इज लाइक अवर वाइटल ऑर्गन। उसका मेन फंक्शन क्या है कि आपकी बॉडी में जो भी टॉक्सिक मटेरियल जो आता है, खाने में फूड में कोई पॉइजन आ गया, कुछ भी आ गया, तो डायरेक्टली आपके सर्कुलेशन में नहीं जाता। व्हाई? बिकॉज सबसे पहले एक चेक पॉइंट आता है, दैट इज कॉल्ड द लीवर। तो जैसे कि टॉक्सिक मटेरियल को डिटॉक्सिफाई करना है, वो काम है लीवर का। लीवर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, सॉरी डाइजेस्ट कुछ मैसेज आ गया था। डाइजेस्ट एंजाइम, सॉरी, लीवर सीक्रेट द बाइल, रिलीज द बाइल। तो उसमें कोई डाइजेस्ट एंजाइम नहीं होते, लेकिन वो बाइल जो होता है वो आपको पूरा लिपिड का डाइजेशन करने में मदद करता है। बाइल है वो इज प्रोड्यूस बाय द लीवर एंड स्टोर इन द बाइल गॉल ब्लैडर एंड अल्टीमेटली रिलीज इनटू द डियोडिनम। और वो क्या करता है, आपके लिपिड जो आपने लिपिड का एब्जॉर्प्शन पढ़ा होगा, तो लिपिड के ड्रॉपलेट्स बना के देता है, माइक्रॉन चाहे वो माइक्रॉन बना के देता है, और अल्टीमेटली लिक्विड आपका एब्जॉर्ब होता है इंटेस्टाइन में। तो लिपिड के डाइजेशन के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए भी रिक्वायर दी लीवर का सिक्रेशन, बाइल सिक्रेशन। दूसरा, लीवर क्या करें, डिटॉक्सिफ। लीवर के तो कई फंक्शन है, आपका ग्लूकोनियोजिनेसिस या आप टीवाई में जो पढ़ने वाले हैं, आपके सारे पाथवे हैं, कैप साइकिल से लेकर सारे जो हिपेटोसाइट में कितने होते रहते हैं, आपके जो मेटाबॉलिक पाथवे हैं वो भी सारे हिपेटोसाइट में होते रहते हैं, ग्लूकोज में ग्लाइकोजन का कन्वर्टर हिपेटोसाइट में होता रहता है, ऑक्सीजन अल्कोहल ज्यादा पी लिया है तो उसका अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस अल्कोहल को के जो इफेक्ट को दूर करने का काम भी लीवर में होता रहता है। दूसरा, लेकिन मैं टॉक्सिन की बात करूँ तो जैसे कि कोई वेन खाने में कोई खराबी चीज आ गई है तो डायरेक्टली अगर एब्जॉर्ब हो जाए इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन में सीधा डायरेक्टली अगर हार्ट में चला जाए, बिकॉज यू नो व्हाट यू मीन बाय वेन, वेन इज समथिंग कैरी द ब्लड फ्रॉम द ऑर्गन टू द हार्ट। सो व्हेन द वेन, वी से वेन, तो अगर इंटेस्टाइन में वेन डायरेक्टली हार्ट में पहुंच जाए तो क्या होगा, डायरेक्ट ट्रैक में से अगर पहुंच जाए तो उसमें क्या होगा कि आपका आपका टॉक्सिन अगर खाने में आ गया तो पूरे बहुत जल्दी से पूरे शरीर में फैल जाएगा। लेकिन यहाँ पे चेक पॉइंट आ जाता है, दैट इज कॉल्ड द पोर्टल वेन। पोर्टल वेन क्या करता है, पोर्टल वेन ब्रिंग्स द ड्रेन द ब्लड फ्रॉम द इंटेस्टाइन स्प्लीन एंड स्टमक टू द लीवर। तो उसमें क्या हो गया, तो डायरेक्टली इंटेस्टाइन में से जो एब्जॉर्ब हुआ चीज है वो ब्लड में ना जाते हुए पहले कहाँ पे आता है, लीवर में। और लीवर में वो क्रॉस चेक होता है, डिटॉक्सिफिकेशन करना है तो डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है। तो लीवर इज द ऑर्गन व्हिच एक्चुअली रिसीव द डिऑक्सीजनेटेड ब्लड, और प्लस एज अ ऑर्गन उसको भी ऑक्सीजन, उसके सेल्स को भी ऑक्सीजन की जरूरत है। तो वहां पे हार्ट में से लीवर को अपना ऑक्सीजन ब्लड का भी सप्लाई मिलता है, फिर ऑल्सो गेटिंग द आर्टेरियल ब्लड एज वेल एज वीनस ब्लड। तो जिसको वीनस ब्लड मिलता है वो कहाँ से मिलता है, इंटेस्टाइन में से, स्प्लीन में से, स्टमक में से। वो कितना प्रतिशत होता है, 75% इज गेटिंग वीनस ब्लड एंड 25% आर्टेरियल ब्लड। सो लीवर इज द ऑर्गन वेयर द मिक्सिंग ऑफ आर्टेरियल ब्लड एंड वीनस ब्लड टेक प्लेस। एक यही ऑर्गन ऐसा है जिसमें दोनों ब्लड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आते हैं। तो लीवर इज द ऑर्गन वेयर द इन आवर बॉडी वेयर आर्टेरियल एंड वीनस ब्लड एक्चुअली गेटिंग मिक्सड। ये बात हो गई। तो ये लीवर का स्ट्रक्चर है कैसा, ही डायग्राम आपने ये आपके लिए बनाया नहीं, यू हैव ऑलरेडी ड्रॉन दिस डायग्राम इन योर प्रैक्टिस बुक और प्रैक्टिकल बुक। तो ये पूरा जो आप देख रहे हैं, माय बी यू आर नॉट सीइंग ड्यू टू दिस वर्टिकल पोस्चर ऑफ द कैमरा, यू आर नॉट एबल टू विजुलाइज ऑल द लेबलिंग, बट डोंट वरी, आई विल गिव यू ऑल द लेबलिंग। तो द डायग्राम दैट यू हैव सीन फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, सो यू कैन सी ये पूरे डायग्राम मैंने बना हुआ है, वो इज द लीवर लूप व्यू। उससे पहले मैं थोड़ा लीवर का आपको मॉर्फोलॉजी बता दूं। तो लीवर के आपने देखे होंगे लेफ्ट एंड राइट हाफ होते हैं, और लीवर का जो पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको एक कैप्सूल में घेरा हुआ है। तो दैट कैप्सूल इज कॉल्ड द ग्लीसन कैप्सूल, GLISON, ग्लीसन कैप्सूल। तो लीवर का पूरा जो है उसको ग्लीसन कैप्सूल घेरा हुआ है,
और ह्यूमन में तो उतना ही इन्वेंट नहीं करती, लेकिन पी जो है उसमें क्या होता है, लीवर का जो पूरा कैप्सूल है वो ऑल्सो एक्चुअली इन्वेट इनसाइड द लीवर एंड एक्चुअली डिवाइड द एंटायर लीवर इंटरनली इनटू मैनी लोब्यूल्स एंड ईच लोब्यूल इज डिमार्केटेड फ्रॉम एडजेसेंट लोब्यूल बाय डिमार्केशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू सेफ्टा। तो दिस कनेक्टिव टिश्यू ये पूरे आप देखोगे 2 से 3 लाइन मैंने बनाई हुई है। तो दिस इज द गिल्सन्स कैप्सूल। गिल्सन्स कैप्सूल इज वेरी वेल मार्क्ड इन पिग्स लीवर, लेकिन इसका जो उतना मार्किंग जो लीवर लोब्यूल होता है उसमें ह्यूमन के में उतना डिमार्केशन नहीं होता। तो यहाँ पे ये डायग्राम की बात करें तो ये डायग्राम मैंने क्या बना हुआ है, एक तो फिर से बताता हूँ। तो गिल्सन्स कैप्सूल जब आता है लीवर के अंदर, गिल्सन्स कैप्सूल जो आउटर कवरिंग है इट इन्वेट इनसाइड एंड रैमिफाई इनसाइड। सो व्हाट हैपन, लीवर इज डिवाइडेड टू मेनी स्मॉल स्मॉल यूनिट। तो अगर आप माइक्रोस्कोप में अगर लीवर का स्लाइड एडजस्ट करके देखते हैं तो आपको क्या दिखता है, बहुत सारे ये एक उसमें पूरा ये बना हुआ है सर्कल, उसमें सेल्स बनाए हुए ऐसे आपको 10 से 12 एक ही ब्राइट फील्ड में दिख रहा है, एक फील्ड में आपको दिख रहे हैं। तो वो सारे क्या है, हिपेटिक लोब्यूल्स है। ये एक हिपेटिक लोब्यूल हुआ, यहाँ से दूसरा हिपेटिक लोब्यूल स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से दूसरा तीसरा, यहाँ से भी हिपेटिक लोब्यूल स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से भी हो रहा है, लेकिन हम इतने सारे ड्रॉ कर नहीं सकते और हमें जरूरत भी नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, फंडामेंटल हिपेटिक लोब्यूल बता रहे हैं। तो ये जो डायग्राम है वो टीएस ऑफ लीवर है, लेकिन डिपेंडिंग ओनली वन हिपेटिक लोब्यूल। आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको बहुत सारे ढेरों सारे दिखेंगे, और इस लोब्यूल को रिमार्क कैसे करते हैं, तो यहाँ पे इस तरह डिफरेंस कैप्सूल से वो रिमार्क होते हैं। लेकिन मैंने बताया कि पिग में इसके लीवर में हमें बहुत अच्छे से पता चलेगा कि एक लोब्यूल है बाजू दूसरा लोब्यूल है, लेकिन ह्यूमन के लीवर के टीएस में आपका लोब्यूल को सेपरेट करना बहुत इजी हो जाए, इजी नहीं है, क्योंकि गिल्सन्स कैप्सूल जैसे आपकी डिमार्क कैसे उतना इजीली दिखता नहीं है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द थिंग। तो जो लीवर है इजी लार्जेस्ट ग्लैंड, पेंक्रियास एक ग्लैंड है, टेस्टिस एक ग्लैंड, तो ये जो ग्लैंड है इज लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी और सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन। इसका वी है 1.8 to 2 kg, सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन, दैट मींस फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, द फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गन नो ब्रेन नहीं, फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन, द सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन इज द लीवर इज द सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन एंड द फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड। तो लीवर है इज द फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड। So now let's talk about the when you take a TS of liver, what you are going to see that is called the histology. So liver का location है वो वहाँ पे diaphragm के नीचे है, आपको abdominal cavity में। Okay, so now let's talk about this histology. So as you know that as I said, Gilson's capsule actually surround the one hepatic lobule. So entire hepatic lobule is having 5 to 6 surface. Hepatic lobule have what 5 to 6 surface or it itself is a polyhedron. Now within the hepatic lobule, what you are seeing on outer side of the hepatic lobule, on the periphery of the hepatic lobule, at the 5 to 6 location, if it is a pig's liver, it is factor 5 to 6 location, you are going to see portal space. This portal space has got arterioles, venules, lungs, lymph, bile ducts. इसमें बताता हूँ आपका जो फंडामेंटल यूनिट है लीवर का, दैट इज कॉल्ड द हिपेटिक लोब्यूल। एक लोब्यूल ये हो गया बाजू में, दूसरा लोब्यूल है यहाँ पे, तीसरा लोब्यूल है, बहुत सारे ऐसे लोब्यूल है। एंड ईच लोब्यूल हैज ऑन इस पेरिफेरी हैज गॉट 5 to 6 स्पेस, यहाँ पे और यहाँ पे क्या है 5 to 6 स्पेस। तो ये जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड द पोर्टल स्पेस और पोर्टल कैनाल, दूसरा नाम है पोर्टल कैनाल। और पोर्टल कैनाल के अंदर मेनली तीन क्या होते हैं, तीन चीजें होती हैं, एक है वेन, एक है आर्टरी और एक है बाइल डक्ट। यहाँ पे भी है वेन, आर्टरी एंड बाइल डक्ट। वेन का जो है डायमीटर बड़ा है, आर्टरी का सबसे छोटा है, और ये बीच वाला है वो है बाइल डक्ट, इसका इंटरमीडिएट है। आगे समझ में फिर से मैं दोहराता हूँ कि गिल्सन्स कैप्सूल ऑन इट्स पेरिफेरी सराउंड अप 5 to 6 साइड टू आर गोइंग टू सी अ स्ट्रक्चर कॉल्ड द पोर्टल स्पेस। इन द पोर्टल स्पेस रिसाइड आर्टरियोल, venule and the bile duct. Arteriole, venule तो मोरे interlobular vein. तो क्या होता है आप देखिए, portal vein जो है, portal vein के branch, portal vein मतलब जो intestine से लेके आ रहा है, stomach से लेके आ, spleen से लेके आ, तो portal vein क्या होगा, उसकी main branch liver के अंदर enter हुई, फिर उसके अंदर और further ramification हुई, सबके अलग अलग नाम है। Ultimately हर lobe के अंदर, lobe यहाँ पे lobe का जो inter हिपेटिक लोब्यूल का जो पेरिफेरल स्पेस है, वहां पे जो उसका जो ब्रांच आया
पोर्टल वही था, उसको हमने नाम क्या दिया, इंटरलोबुलर वे, क्योंकि ये दो लोबुल के बीच में जो स्पेस है वहां पे, इसलिए इंटरलोबुलर, बिटवीन टू लोब, तो दैट इज कॉल्ड द इंटरलोबुलर वे. तो ये हो गया इंटरलोबुलर वे. इसी तरह हार्ट में से भी उसको आर्टरी आएगी, हार्ट में से भी उसको उसको आर्टरी से आर्टरी मिलेगी, तो उसके आर्टरी के नाम है वो हमें अभी याद रखने की जरूरत नहीं है. अल्टीमेटली उसकी जो ब्रांच जाती है उसको हमने क्या नाम दे दिया, आर्टरियोल. तो अल्टीमेटली जो लोब था, हर लोब को अपना ब्लड सप्लाई मिल रहा है. आर्टरी क्या कर रही है, ऑक्सीजन ब्लड लेके आ रहा है. इंटरलोबुलर वेन क्या कर रही है, डीऑक्सीजन ब्लड लेके आ रही है. दोनों कहां पे पॉज हो रहा है, तो ये लोबुल के अंदर, ठीक है, और फिर लोबुल के अंदर पॉज हो गए, और सेंटर में से एक दूसरा सेंट्रल वेन है, वहां से सब ब्लड इकट्ठा होकर फिर से हार्ट को सप्लाई हो जाएगा. अब मैं फिर से आता हूँ, ब्लड सप्लाई की बात बाद में करते हैं, अब मैं फिर से आता हूँ स्ट्रक्चर पे. तो नाउ व्हाट यू आर सीइंग इन दिस राउंड स्ट्रक्चर, देयर आर मेनली टू थिंग्स, द सेल्स एंड स्पेस. आपको क्या दिखा, सेल स्पेस एंड दे सेंट्रल स्पेस. तो अब मैं सबका नाम आपको देता हूँ. तो लीवर, अ हेपेटिक लोब्यूल कंसिस्ट ऑफ मेनली टू थिंग, पैरेंट, नंबर वन पैरेंकाइमा, एंड सेकंड साइनुसॉइड. इफ यू वांट टू से थर्ड, तो थर्ड पोर्शन इज अ कैविटी स्पेस इन द सेंटर, एंड दैट इज कॉल्ड सेंट्रल वेन. तो ये सेंटर में जो दिख रहा है उसका नाम है, उसका लेबलिंग यहां से जा रहा है, यहां पे कैमरा में नहीं दिख रहा है. ये सेंट्रल वाला जो पोर्शन है, ये सेंट्रल वाला जो पोर्शन है उसका हम नाम बता दें, तो ये है आपका सेंट्रल वेन, ये है आपका सेंट्रल वेन, ये मैंने लिखा है सीवी, सेंट्रल वेन. ओके, वो सेंटर में होती है. अब हम बात करते हैं ये पैरेंकाइमा की. तो व्हाट डू मीन अ पैरेंकाइमा, तो पैरेंकाइमा कंसिस्ट ऑफ हिपेटोसाइट्स. ये एक सेल है वो हिपेटोसाइट. ये सारे सेल्स आपको दिख रहे हैं हेक्सागोनल और पॉलीहेडर, दीज आर हिपेटोसाइट्स. आपका लीवर जो भी फंक्शन कर रहा है, जो भी बाइल प्रोड्यूस कर रहा है, जो भी आपका डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है, वो इज बिकॉज ऑफ दीज सेल इट इज हैपनिंग. दीज सेल्स आर द थिंग, द सेल्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द लीवर. तो एज यू नो, टिश्यू किससे बना हुआ है, सेल से. तो सेल इज द स्ट्रक्चर फंक्शनलिटी ऑफ द लाइफ. क्यों, एवरीथिंग एक्चुअली हैपेंस एट द सेल्यूलर लेवल. तो ये हिपेटिक सेल्स भी यही काम कर रहे हैं. आप लीवर के जो भी फंक्शन है वो इनकी बदौलत है, बिकॉज ऑफ दैट. तो ये हिपेटिक सेल्स हैं. अब इनका जो अरेंजमेंट है वो पर्टिकुलर है, दे आर अरेंज इन अ पर्टिकुलर अरेंजमेंट, एंड दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड द हिपेटिक प्लेस. तो ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड इसको हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम पेरिफेरी टू सेंटर, दे आर अरेंज फ्रॉम पेरिफेरी टू सेंटर इन कॉर्ड लाइक मैनर. और कैसे, दे आर ऑर्गेनाइज फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी और पेरिफेरी टू सेंटर इन कॉर्ड लाइक मैनर. एक कॉर्ड जैसे एक डोरी जा रही है, उसमें सारे सेल्स आपने लगा दिए, या एक प्लेट जा रही है, तो दिस आर द प्लेट ऑफ हिपेटोसाइट, दिस आर द प्लेट ऑफ हिपेटोसाइट, दिस इज द प्लेट ऑफ हिपेटोसाइट. तो यहाँ पे तीन और कुछ डॉक्टरों ने यहाँ पे वर्ड यूज किया है, लैमेले. तो यहाँ पे ये प्लेट है, हिपेटिक प्लेट कह सकते हैं, हिपेटिक कॉर्ड कह सकते हैं, या इसको आप बोल सकते हैं हिपेटिक लैमेले. लेकिन हिपेटिक कॉर्ड और हिपेटिक प्लेट ज्यादा यूज में होने वाले वर्ड है, हिपेटिक लैमेले उतना वर्ड यूज होता नहीं. तो ईच प्लेट कंसिस्ट ऑफ द कंप्लीट मेड अप ऑफ द हिपेटोसाइट्स अरेंज इन अ सिंगल रो, एंड दे हैव अ सिंगल सेल थिकनेस. हाउएवर सम टाइम इट इज आल्सो ब्रांचिंग. सो एट द ब्रांचिंग पॉइंट, जब यहां पे ब्रांचिंग हो रहा है, एट द ब्रांचिंग पॉइंट इट कैन बी ऑफ द टू सेल थिकनेस. मतलब कि क्या हुआ कि एक सेल है, एक दूसरा एडजेंट सेल है, उसका एक तीसरा एडजेंट सेल है, दो ऑल आर मेड अप ऑफ वन सेल थिकनेस. हाउएवर एट सर्टेन लोकेशन दे आर टू सेल थिकनेस. तो ऊपर नीचे दो सेल है, उसको हम क्या बोलेंगे, टू सेल थिकनेस. तो जहां पे ये ब्रांचिंग पॉइंट है, एट दैट पॉइंट यू कैन फाइंड दे आर टू सेल थिकनेस. इनका जो डायमीटर है, ये हिपेटोसाइट्स की बात करें, तो दे आर मेड अप ऑफ 20 to 30 माइक्रोन. ये 20 to 30 माइक्रोन के बने हुए होते हैं. दे आर अपेरल, दे हैव पॉलीहेड्रल. हिपेटोसाइट जो होते हैं, दे आर पॉलीहेड्रल. उनके 5 से 6 सरफेस होते हैं. दे आर प्रोवाइडेड विद न्यूक्लियस एंड दे कंटेन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दे आर प्रोवाइडेड अबंडेंट माइटोकॉन्ड्रिया. दे आर प्रोवाइडेड विद मेनी स्टोरेज ग्रैन्यूल्स. See, say for example, just after getting food, their granules get stored in the liver. Those granules are made of glycogen granules. You can use acid skiff, SCHIFF, acid skiff reactor to stain those granules. Acid skiff stain is used to stain those granules.
ये यहाँ पे ग्रेन्यूल्स दिख जाएंगे, वो किसके हो गए, ग्लाइकोजन के ग्रेन्यूल्स होंगे। तो मैंने किसकी बात की, तो ये जो सेल्स होते हैं वो पॉलीहेड्रल या 6 to 5 to 6 सरफेस वाले होते हैं, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, खाने के बाद उसमें कुछ ग्रेन्यूल्स बन जाते हैं, वो ग्रेन्यूल्स होते हैं ग्लाइकोजन के, उसको आप ऐसे स्किप रिएक्शन के साथ आप उसको स्टेन कर सकते हो। ये पूरा जो शरीर है वो पूरा एसिडोफिलिक नेचर है, इनका कैसा है, इयोसिनोफिलिक इन नेचर, जो साइटोप्लाज्म है इस इयोसिनोफिलिक इन नेचर। तो ये तो हो गए हिपेटोसाइट्स के बाद, वो कैसे अरेंज हुए हैं, सेंटर टू पेरिफेरी एज अ प्लेट, दे आर एक्चुअली अरेंज फ्रॉम द सेंटर टू पेरिफेरी लाइक अ प्लेट, अ कॉर्ड्स ऑफ हिपेटोसाइट्स आर मूविंग फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी इन अ कॉर्ड लाइक फैशन, एक 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 पूरा डोरी जा रहा है, दूसरा डोरी जा रहा है, और हर डोरी के ऊपर आपके सेल्स इस तरह से एक 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 ही थिकनेस में अरेंज हुए हुए हैं। तो दिस वे दे आर एक्चुअली मूविंग फ्रॉम सेंटर, मूविंग नहीं बट दे आर अरेंज फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी इस तरह से। तो ये एक कॉर्ड हो गया, ये दूसरा कॉर्ड हो गया, तीसरा कॉर्ड हो गया, तो दिस वन इज कॉल्ड दिस आर हिपेटिक प्लेट्स और हिपेटिक लैमेल। तो आपको मेन स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है, हिपेटिक लैमेल। तो ये हो गई बात हिपेटिक पैरेन्काइमा की, दिस आर द सेल्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फंक्शनिंग ऑफ द लिवर। ओके, अब उसका मेन फंक्शन क्या है, हिपेटोसाइट का मेन फंक्शन टू प्रोड्यूस द बाइल टू डाइजेस्ट द लिपिड। तो बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय हुम, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय हिपेटोसाइट। तो सर यहाँ पे हिपेटोसाइट अगर बाइल रिलीज कर रहा है तो जाएगी कहाँ, जाएगी कैसे, तो सबसे पहले हम बाइल का समझे स्ट्रक्चर। तो अभी मैं वो साइनसोइड की बात बाद में करूंगा, अभी मैं बात कर रहा हूँ बाइल की। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, और एक दूसरा ये इसके बाद में दूसरा एक रो दिख रहा है, यू कैन सी हियर टू पोर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टू पोर्स, दिस इज वन पोर ऑफ द हिपेटोसाइट, उसी के एजेस में आई एम टॉकिंग अबाउट इट, दूसरा सेकंड पोर ऑफ द हिपेटोसाइट। सो यू कैन सी हियर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर एंड मूविंग टू द पेरिफेरी। तो यहाँ पे इस सेल्स के अंदर जो बाइल रिलीज की थी, उसने जो प्रोड्यूस की, उसने इस तरह साइड में रिलीज किया। द बाइल प्रोड्यूस्ड बाय सेल इज रिलीज हियर समवेयर हियर इनसाइड, सेम इसने भी इस तरह भी साइड पे रिलीज किया। So what I want to say, the bile is produced by these cells are actually released outside. So initially, between these two cord, there is narrow space between these two cord. Initially, at toward the center. So between two adjacent hepatic cord, you will see some narrow space, and that narrow space is just merely a space without any boundary of particular cell. तो यहाँ पे ये दोनों के बीच में merely a space बना, तो वहाँ पे bile का release हो गया। तो दैट स्ट्रक्चर इनिशियली ये जहां पे ये एरिया पे जहां पे बाइल सीक्रेट हुआ, उसको हम क्या बोलेंगे, माइंड वेल, इसको बोलेंगे बाइल कैनालिक्यूली, क्योंकि आप ये लेबल नहीं देख पा रहे हो, मैंने इसका लेबल ऑलरेडी कर चुका हूं, आपकी नोटबुक में लिख दो, ये जो बीच में जो स्पेस है इनके बीच में जो बन रहा है, दैट इज बाइल कैनालिक्यूली। ये क्या है, बाइल कैनालिक्यूली है। तो इसका कोई पुचका, इसका कोई मार्किंग वॉल नहीं है, ये सिर्फ एक मियरली स्पेस है जो बाहर जा रहा है। अब क्या होता है, बाइल कैनालिक्यूली जैसे ही मुंह आगे करता है, तो जैसे पेरिफेरी में सेल जा रहे हैं, देन दिस बाइल कैनालिक्यूली नाउ अगर आगे जाते हुए इट हैज गॉट सम वॉल, इसको वॉल को मैं इन, तो इस वॉल, दिस वॉल इज मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल, लेट मी सी, क्यूबॉइडल एक कॉलम ना, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल का बना हुआ इट हैज गॉट दी सेकंड। तो यहाँ पे जो है, हाँ, तो उसके जो सेल्स है, दिस आर द क्यूबॉइडल एपिथेलियल, तो ये जो सेल है दिस आर द क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल। तो ये कौन है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल, आप लोग बोले सर क्या बात कर रहे हैं, मैं आपको फिर समझा रहा हूँ कि जो हिपेटोसाइट की तो एजेस जो है वो जब बाय इनिशियल जो सेंटर के तरफ के जो सेल्स जो वाइल रिलीज करते हैं, तो वहां उनके लिए पर्टिकुलर कोई क्या कहते कैपिलरी नहीं है, कैपिलरी समथिंग दैट इज प्रोवाइडेड विद वॉल, इनिशियल इज विदाउट एनी वॉल, तो वॉल वो सिर्फ हिपेटोसाइट का बाउंड्री है, लेकिन जैसे वो आगे बढ़ती है कैपिलरी, तो इट हैज गॉट पर्टिकुलर वॉल। तो इसका बाइल कैपिलरी कैनालिक्यूली का नाम क्या हो जाएगा, बाइल कैनालिक्यूली का नाम कब कन्वर्ट हो जाएगा, बाइल डक्ट्यूल। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बाइल डक्ट्यूल। तो बाइल डक्ट्यूल का जो वॉल है वो किसका बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ द क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल। The bile ductule is made up of what? Cuboidal epithelial cell. Bile capillary जब थी वो सिर्फ 1 या 2 माइक्रोन स्पेस था, लेकिन अब इसका स्पेस बढ़ गया है, तो ये हो गया bile ductule. तो bile ductule हो गया, और अल्टीमेटली bile ductule का दूसरा नाम है Herring's canal. Herring's canal और bile ductule.
अल्टीमेटली भाई नेपच्यून जो है वो आपके पोर्टल स्पेस में जाके खुलेगा और उसका नाम हो जाएगा पोर्टल, और इसको फिर अल्टीमेटली यहाँ पोर्टल स्पेस में जाएगा तो उसको हम नाम देंगे बाइल डक। तो यहाँ से जब निकला बाइल कैपिलरी बना, फिर यहाँ बाइल डक्ट्यूल अल्टीमेटली पोर्टल स्पेस में पहुंच गया, तो इसका हमने नाम दे दिया बाइल डक्ट। तो बाइल डक्ट तो ये हो गया इंटरलोबुलर बाइल डक्ट। तो बहुत सारे बाइल डक्ट इस तरह इकट्ठा होंगे, अल्टीमेटली राइट है राइट बाइल डक्ट बनेगा, लेफ्ट वाला का लेफ्ट बाइल डक बनेगा, और बाइल वॉल बेडम में से जो डक्ट है उसका नाम सिस्टिक डक्ट है। अल्टीमेटली सारे डक्ट इकट्ठा हो गए, ड्यूडेनम में बाइल खुलेगा, ड्यूडेनम में उसका ओपनिंग होगा। तो ये हो गए बाइल डक्ट की बात हो गई, आपको समझ में आ गया क्या हो रहा है। तो एग्जाम में बाइल में पूछ सकते हैं कि हाउ डज बाइल फ्लो, तो बाइल का जो फॉर्मेशन होता है बाइल मूव्स फ्रॉम द सेंटर टू पेरिफेरी, सेंटर में बना से यहां से बना, लेकिन मुंह कहां पे हो रहा है पेरिफेरी, वेयर इज ब्लड फ्लो फ्रॉम पेरिफेरी टू सेंटर। ब्लड है यहां से आएगा, यहां से आएगा एंटर होगा साइनसॉइड में, लेकिन बाइल जो है वो बनेगी हिपेटिक कॉर्ड के बीच में से, और अल्टीमेटली पहले कैपिलरी में हुई, कैपिलरी के बीच में दो ये कैपिलरी कांटेक्ट हो सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे भी वहां पे कुछ स्पेस हो सकता है छोटा मोटा, तो देयर कैन बी। तो बाइल कैनाली क्यूरी फॉलो इज एनास्टोमोसिस, अगर आप बुक में देखेंगे उसमें लिखा होगा बाइल कैनाली क्यूरी फॉलोज इट एनास्टोमोसिस, अल्टीमेटली इट गेट्स कन्वर्ट इनटू बाइल डक्ट्यूल एंड इट एंड्स इन एट द पोर्टल स्पेस, इट कन्वर्टेड इनटू इंटरलोबुलर बाइल डक्ट। समझ में आ रहा है? तो बाइल जो होता है आपका इज एक्चुअली बाइल मूविंग इन सेलर हिपेटिक लोबुल में, तो सेंटर टू पेरिफेरी। तो मैंने अभी तक क्या बात किया, अभी तक मैंने क्या बात किया, मैंने बात किया कि लीवर का विजन कैप्सूल से एक अगली का जो जो मैं ड्रॉ करके बता रहा हूँ पूरा जो राउंड स्ट्रक्चर वो क्या है, ये एक हिपेटिक लोब्यूल है, ऐसे बहुत सारे लीवर में हिपेटिक लोब्यूल है। हम ये हिपेटिक लोब्यूल को ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ द लीवर है। एक हिपेटिक लोब्यूल के अंदर आप क्या देख रहे हैं, देयर आर सो मेनी सेल्स, लेकिन सेल्स के एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है, वो अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं हिपेटिक कॉर्ड। सेंटर में एक ल्यूमेन स्पेस है, उसको हम क्या बोलेंगे सेंट्रल वेन। बाहर की साइड की अगर हम बात करें तो क्या है, पांचों दिशाओं में पांच एंड पे, पांच से छह एंड पे आपको पोर्टल स्पेस मिलेगा। पोर्टल स्पेस में क्या आ रहा है, वेन और आर्टरीज आ रही है, उनके सारे दोनों के ब्लड कहाँ पे खुलेंगे, लीवर के अंदर खुले वाले, वो जो स्पेस में खुलेंगे उसको, सॉरी लीवर मतलब लोबुल के अंदर खुले वाले, वो जो स्पेस में खुलेंगे उसको हम क्या बोलेंगे साइनुसॉइड। तो अभी जो साइनुसॉइड है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो अभी तक आपको समझ में आ गया, ये रहा आपका हिपेटिक प्लेट बाजू के हिपेटिक प्लेट के बीच में जो जगह थी उसमें बन गया कैनाली क्यूली बाकी जाकर कन्वर्ट हुआ बाइल टक्ट्यूल में, टक्ट्यूल पोर्टल स्पेस में खुला बाइल डक्ट में। तो लीवर ने जो बाइल पैदा किया वो अल्टीमेटली, सॉरी हिपेटोसाइट ने जो बाइल प्रोड्यूस किया वो अल्टीमेटली साइट तक पहुंच गया, पेरिफेरी तक पहुंच गया, और वहां से दूसरे वेन्स सॉरी वहां से दूसरे बाइल डक्ट से इमर्ज होके अल्टीमेटली आपको उसने ड्यूओडेनम में उसने रिलीज कर दिया। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली आपका बाइल किस तरह से मूव हो रहा है। ओके, तो ये हो गया सारी जो जानकारी थी वो थी हिपेटिक पैनकाइमा के। दूसरा जो हेडिंग है दैट इज द साइनोसॉइड। तो व्हाट इज साइनोसॉइड, साइनोसॉइड आर द स्पेस बिटवीन और अमोंग द हिपेटिक कॉर्ड। तो यू कैन सी अमोंग द हिपेटिक कॉर्ड यू आर सीइंग स्पेस बिटवीन द हिपेटिक कॉर्ड, बिग ब्लड फिल स्पेस बिटवीन हिपेटिक कॉर्ड इज कॉल्ड साइनोसॉइड। तो दिस बिग स्पेस अमोंग द हिपेटिक कॉर्ड, यहाँ पे ये सारे जो बिग स्पेस दिख रहे हैं यहाँ पे ऑल द बिग स्पेसेस अराउंड द एडजेसेंट टू हिपेटिक कॉर्ड आर कॉल्ड साइनुसॉइड। साइनुसॉइड इटसेल्फ मींस स्पेस, तो साइनुसॉइड आर द ब्लड स्पेस। साइनुसॉइड का मतलब होता है ब्लड स्पेस, डिक्शनरी मीनिंग ऑफ साइनुसॉइड होता है ब्लड स्पेस, लेकिन ये जो ब्लड स्पेस है वो लाइक कैपिलरी आर ऑल्सो प्रोवाइडेड विद द एंडोथेलियल लाइनिंग। फिर से मैं थोड़ा धीरे से रिपीट करता हूँ, वी हैव कंप्लीटेड अबाउट द हिपेटिक कॉर्ड, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ड कॉल्ड साइनुसॉइड। अर्लियर मैंने क्या कहा था कि हिपेटिक लोब्यूल के अंदर दो ही चीजें होती है, पैरेन्काइमा और दूसरा साइनुसॉइड। तो साइनुसॉइड क्या है, साइनुसॉइड आर दी ब्लड फिल्ड स्पेस। तो जो ब्लड है लीवर में जो ब्लड फिल आना जरूरी है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के जो ब्लड आने वाला है लीवर में वो अल्टीमेटली आएगा इस लोब्यूल में, और इस लोब्यूल में आएगा तो जो हिपेटोसाइट को ऑक्सीजन भी चाहिए, तो हार्ट जो ऑक्सीजन ब्लड वो आर्टरी में से उसको मिल जाएगा। डिटॉक्सिफिकेशन करना है उसमें जगह उसमें से कोई डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हिपेटोसाइट के संपर्क में कॉन्टेक्ट में आएगा ब्लड, तो हिपेटोसाइट में से जो भी न्यूट्रिएंट्स थिंग है उसको रिस्टोर कौन करेगा, हिपेटोसाइट करेगा।
लीवर के लॉबुल में ब्लड को लाना जरूरी है। तो ये ब्लड में कहाँ से आ रहा है? तो जैसे पहले समझे, आर्टरियल्स और वेन्यूल्स में ब्लड आ रहा है, दोनों अलग एंड से आ रहा है। आर्टरियल में ऑक्सीजन ब्लड है वो 25% है, और डीऑक्सीजन ब्लड जो है वो वेन्यूल से आ रहा है। अल्टीमेटली दोनों काइंड ऑफ ब्लड लीवर के अंदर लॉबुल के अंदर यहाँ पे मिक्स हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं इसको डार्ट करके बताऊं, तो यहाँ पे मेरा चौक कहाँ गया? लाओ, तो यहाँ पे सिर्फ फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से ब्लड यहाँ पे आया, ठीक है? तो अल्टीमेटली ब्लड यहाँ पे आया। व्हाट आई से कि ये जो है इट्स नॉट अ मियरली स्पेस, दिस स्पेस इज वेरी प्रिसाइज एंड दिस स्पेस इज आल्सो लाइन बाय। यहाँ पे मैंने बनाया हुआ ये जो है, ये सेल्स बनाए हुए ऑरेंज कलर के, ये जो सेल्स है वो इसकी बाउंड्री है। लाइक ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी का कवरिंग कौन सा होता है? ब्लड इज कैपिलरी आर ऑलवेज कवर्ड बाय एंडोथेलियल लाइनिंग। The cells that cover, that make the boundary of the blood capillary is called the endothelial cell. Same way here, the sinusoid is also lined by, the sinusoid is also lined by a cell called endothelial cells. However, here the endothelial cells are not in continuous with one another, with each other, and they have what's made, they are discontinuous. So it means this endothelial value of the endothelial cells is में बहुत सारा space होता है. You can see. एक एंडोथेलियल सेल एक दूसरा हूँ, आपको यहाँ पे ये जो सेल्स दिख रहे हैं ये क्या बना रहे हैं? साइनसॉइड का बाउंड्री। तो दिस इज कॉल्ड द एंडोथेलियल सेल्स। एंडोथेलियल सेल्स आर दोस सेल्स दैट मेक द बाउंड्री ऑफ एनी ब्लड कैपिलरी। तो साइनसॉइड इज आल्सो काइंड ऑफ ब्लड रिजर्वायर, तो उसका भी एक बाउंड्री है। तो उसका जो बाउंड्री है दैट इज कॉल्ड द एंडोथेलियल सेल। लेकिन डिफरेंस क्या है? ब्लड कैपिलरीज के एंडोथेलियल सेल्स कंटीन्यूअस होते हैं, वेयर इज द साइनसॉइड जो होते हैं उसके जो एंडोथेलियल सेल्स हैं, दे हैव गॉट फेनिस्ट्रे ऑफ कोर्स बिटवीन देम। सो व्हाट हैपेंस, ये कोर है, तो जो ब्लड यहाँ पे साइनसॉइड में प्रेजेंट है कैन आल्सो पास टू दिस कोर एंड कम डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद दिस हिपेटोसाइट। तो अगर हिपेटोसाइट को जो ऑक्सीजन चाहिए, तो उस ऑक्सीजन यहाँ से होते हुए एंडोथेलियल वॉल के बीच में से होते हुए ऑक्सीजन को यहाँ मिल गया। मान लीजिए कोई टॉक्सिक वेस्ट है, उसको यहाँ पे हिपेटोसाइट को पहुंचाना है इसका डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, तो वो टॉक्सिक वेस्ट भी यहाँ से जाते हुए ब्लड के ब्लड यहाँ पे कांटेक्ट में आया और यहाँ से उसको मिल गया। तो ये एक्चुअली जो स्पेस है यहाँ से जाएगा, इसको यहाँ पे थोड़ा सा एक बेसल कैविला होता है उसको भी क्रॉस करना होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, साइनसॉइड में से जो ब्लड है वो एंडोथेलियल एंडोथेलियल सेल के बीच का स्पेस है पूर्ण, वहां से निकला, उसने बेसमेंट मेम्ब्रेन को भी क्रॉस किया ब्लड ने, वहां पे थोड़े पोर्स होते हैं, इसलिए बेसमेंट मेम्ब्रेन भी थोड़े पोर्स होते हैं, जैसे मैं किडनी में समझा था, याद करो। तो वैसे यहाँ से अल्टीमेटली निकल गया और अल्टीमेटली यहाँ पे पहुंचा हिपेटोसाइट के डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आया, तो हिपेटोसाइट के कॉन्टेक्ट में ब्लड यहाँ पे आया, तो जो भी मटेरियल की एक्सचेंज होनी है वो यहाँ पे हो गई। ओके, तो ये बहुत यहाँ पे बहुत माइक्रो लेवल पे पहुंच गया। ये जो स्पेस है कौन सी स्पेस? यहाँ पे जो मैं इसको बता रहा हूँ ये स्पेस कौन सी स्पेस? एंडोथेलियल सेल। जो एंडोथेलियल क्या है? साइनोसॉइड का बाउंड्री है। तो एंडोथेलियल सेल और उसके बाजू में जो हिपेटोसाइट, उसके आउटर साइड जो हिपेटोसाइट है, तो हिपेटोसाइट और एंडोथेलियल सेल्स के बीच में भी एक नैरो स्पेस है, जैसे मेरे स्केल और मेरी उंगली के बीच में स्पेस है, वहां पे अब क्या होगा? जो ब्लड होगा कहां से? ये साइनोसॉइड, ये पूरा देखिए, ये आपका पूरा साइनोसॉइड, ये है आपका पूरा साइनोसॉइड, और ये है आपका, ये जो स्केल है वो आपका हिपेटोसाइट का प्लेट है। तो ब्लड यहाँ से ये दो उंगलियों के बीच में से ये उंगली को क्रॉस करता हुआ ये जो स्पेस है, ये जो यहाँ पे जो स्पेस बन रही है उसके बीच में आया, तो वहां पे मस्टर का एक्शन हुआ। तो ये उंगली और ये स्केल मतलब कि आपका एंडोथेलियल सेल और सेल, इनके बीच का जो स्पेस है, ये वाला स्पेस जहाँ पे मटेरियल एक्सचेंज होते हैं, इसका नाम है स्पेस ऑफ डीजी। This space is called space of DZ. याद रखना, वाई वन पूछूंगा, what is this space of DZ? Where you find space of DZ? ये space of DZ होता है hepatocyte और endothelial cells और endothelial sinusoid और hepatic cord के बीच में जो space बन रहा है, यहाँ पे material का exchange होगा,
दैट इज कॉल्ड द स्पेस ऑफ डीसी। ओके, अब आ जाते हैं साइनोसॉइड के अंदर की तरफ। तो साइनोसॉइड के अंदर की तरफ क्या होगा, ब्लड होगा, और उसमें अलावा इसमें होते हैं, साइनोसॉइड के अंदर होते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर बनाए होते हैं, वो है वांडरिंग मैक्रोफेजेस। वांडरिंग मैक्रोफेजेस डिराइव फ्रॉम द ब्लड मोनोसाइट, दीज आर डिराइव फ्रॉम द ब्लड मोनोसाइट रिसाइडिंग इन द साइनोसॉइड, दीज आर कॉल्ड कूफर सेल। दीज आर कॉल्ड कूफर, के यू इसका लिख लो, के यू पी डबल एफ ई आर, के यू पी, ये वाले के यू पी डबल एफ ई आर, या तो वान कूफर आगे बी एन लगा दो, वान कूफर सेल्स और कूफर सेल, तो इनको कहते हैं वान कूफर सेल और कूफर सेल्स। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, दे रिलीज सर्टेन इम्यूनोलॉजिकल, what you call, immunological chemicals that are required for the certain immunological process. On other side, they are macrophages. So, what do we say? They destroy, we say that RBC ka longevity, uska jo ayushya hai, it is only 120 days. So, uske baad jo worn out RBC ko kya hota hai? Destroy kar diya jata hai. To destroy karne ka kaam, usko angles karne ka kaam kaun karta hai? So, they angle, they want, they actually worn out RBC ko angles karne ka kaam. इंटरव्यू में, बड़े बड़े इंटरव्यू में हमें भी पूछा गया है और भी कैंडिडेट को पूछा जाता है, वेयर डू यू फाइंड कूफर सेल्स, व्हाट इज देयर फंक्शन। पीएससी में पढ़ा हुआ आपको पीएनटी के बाद भी काम में आता है ये कूफर सेल्स, ये सीधा जाता एग्जाम्पल जो पूछा गया है बहुत लोगों को, तो दैट इज दी कूफर सेल्स। तो ये है इसका मेन फंक्शन, स्पेस ऑफ डीसी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, स्पेस ऑफ डीसी क्या है, कूफर सेल कहाँ पे होते हैं, तो इस तरह से साइनस क्या होता है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि इस तरह से जो मेन प्रोसेस यहाँ पे होती है डिटॉक्सिफिकेशन, केमिकल मटेरियल एक्सचेंज यहाँ पे इस तरह से हो जाता है। अल्टीमेटली जो भी अब ब्लड का जरूरत नहीं है, अल्टीमेटली जो भी ब्लड है जो काम खत्म होने के बाद अल्टीमेटली मूव फ्रॉम पेरिफेरी टू सेंटर, काम खत्म हो गया, ओके, तो जो भी करना था हो गया, सेंटर में आ गया ब्लड, अल्टीमेटली सेंट्रल वेन जो होती है वो सब सेंटर में, लोबली के सेंटर में जमा होती है, उसके नाम, उसके भी नाम है, लेकिन ब्लड सप्लाई हमारा टॉपिक इसलिए मैं सारे नाम आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं दे रहा हूँ। तो सेंट्रल वेन सब लोबल्स की इकट्ठा होती है, अल्टीमेटली उनकी जो मेन वेन बनी वो होती है अल्टीमेटली पोस्ट कैवल होती है, जो पोस्ट कैवल के तौर पर लीवर में से पोस्ट कैवल जनरेट होती है, वो जाके हार्ट में ओपन होती है। तो अल्टीमेटली जो आपका भी जो भी ब्लड है प्रोसेस हुआ, ब्लड लीवर में से आया हुआ ब्लड जो है अल्टीमेटली हार्ट में जाता है, लीवर में से जो ब्लड जाता है अल्टीमेटली हार्ट, तो ये सारा लीवर में को रिसीव किया हुआ ब्लड, इंटेस्टाइन में से आया हुआ ब्लड और उसके हार्ट में से आया हुआ ब्लड अल्टीमेटली साइनसॉइड में आता है, पेरिफेरी टू सेंटर में लोबली में जाता है, सेंटर में सब प्रोसेस होने के बाद सेंटर में आ गया, सेंटर में आने के बाद उसको हार्ट तक पहुंचाना है, सारे उसका मैं नेटवर्क के नाम दे सकता हूँ लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। अल्टीमेटली जो सेंट्रल वेन में से सारे वेन इकट्ठा हो गए, मर्ज हो गए, पोस्ट केवल के तौर पर वो जाके अब वहां पे हार्ट को सप्लाई कर दिया, इस तरह साइनसॉइड का अपना फंक्शन खत्म हुआ। तो यहाँ पे मैं किस किस की बात की, अल्टीमेटली टॉपिक खत्म हो गया, बस यही चीजें हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आर्टरी और वेंट्रल रोल आपको पता चल गया, सबसे छोटा डायमीटर वो वेंट्रल्स का है, सबसे बड़ा सॉरी सबसे छोटा आर्टरियोल है, सबसे बड़ा डायमीटर वेन का है, ये बीच वाला बाई डक्ट है, इसके अलावा भी इसमें लिम्फेटिक्स नहीं दिखाया है, यहाँ पे नर्व और लिम्फेटिक्स भी हो सकते हैं, क्योंकि जो डाइजेस्टिव लिपिड है वो उसको लाने का काम लिम्फ करता है। तो यहाँ पे थोड़ा फटाफट दो मिनट में मैं रिकैप कर देता हूँ कि आपका हिस्टोलॉजी जो है लीवर का, उसमें उसका जो अल्टीमेटली जो सारी चीजें होती हैं दैट एक्चुअली हैपन एट द लोबुल लेवल। तो अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो टीएस लेके देखते हैं आपको इस तरह के 10 से 12 लोबुल मिलते हैं, मैंने आपको यहाँ पे एक ही दिखाया हुआ है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द लीवर, लीवर का जो भी काम होता है वो इस जगह पे होता है, यहाँ का उसका जो बाउंड्री है उसको हम बोलते हैं गिल्सन कैप्सूल, बहुत ही वेल डिमांड है, यूनिवर्सल नहीं है, गिल्सन्स कैप्सूल की अरेंजमेंट तरह की है कि उसके वजह से 5 to 6 लोकेशन पे पोर्टल स्पेस बनती है। पोर्टल स्पेस में क्या होता है, पोर्टल स्पेस में आपको 3 चीजें दिखानी, आर्टेरियल वेन्यूल्स एंड बाइडक्ट्स, उसके अलावा उसमें लिम्फेटिक्स भी हो सकते हैं और नर्व भी हो सकते हैं। तो ये हो गया 5 to 6 जगह पे पोर्टल स्पेस। अब के अंदर के आ जाए तो आपको मेनली क्या दिखता है, पेरेंचाइमा एंड साइनोसॉइड और सेंट्रल में सेंट्रल वे।
पेन कैमा की बात करें तो पेन कैमा इज मेड अप ऑफ हिपेटोसाइट और लीवर सेल। इस लीवर सेल इज अ पॉलीहेडर, उसका पॉलीहेडर है, न्यूक्लियस है, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया है, बहुत सारे स्मॉल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो प्रोड्यूस करता है। बाय बाइल प्रोड्यूस करने का काम उसका मेन है, डिटॉक्सिफिकेशन काम भी है। तो बाइल तो प्रोड्यूस किया, लेकिन बाइल को भेजेंगे बाहर कैसे? तो बाइल कहां पे था? बाइल तो बनी दोनों साइड के बीच में, तो बाजू में गई, दोनों सेल्स के बीच में नैरो स्पेस है, क्या 2 मीटर 2 माइक्रोन का डायमीटर, वहां स्पेस में गई, तो इसीलिए उसको हमने नाम दे दिया बाइल कैनालिक्यूली। बाइल कैनालिक्यूली फॉलो इज एनास्टोमोसिस, और जब वो पेरिफेरी में जाती है तो बाइल कैनालिक्यूली का नाम हो जाता है उसके पास, उसको फिर अपनी खुद की वॉल मिल जाती है, उस टाइम पे उसको हम नाम देते हैं हेरिंग्स कैनाल। और बाइल डक्ट अल्टीमेटली जब एक्सपेंडर होती है तो उसका नाम हो जाता है बाइल डक्ट। तो ये हो गया पैनकाइमा का काम। अब बात करते हैं साइनोसॉइड की। साइनोसॉइड क्या करता है? आर्टेरियल वेन और विनस वेन, मिरर वेन में समझे हो कैसे? तो ये उसमें दोनों मिक्स्ड ब्लड यहाँ पे आता है, विनस ब्लड में और साइनोसॉइड में ब्लड आ गया। साइनोसॉइड एक नियरली स्पेस नहीं है, वो डेफिनेट स्पेस है। साइनोसॉइड का अपना खुद का बॉर्डर है, उसका जो बॉर्डर है वो एंडोथेलियल सेल का बना हुआ है, लेकिन एंडोथेलियल सेल में यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस है, उसको हम क्या बोलते हैं? वो स्पेस को बोलते हैं पेनिस्पेरा पोर्स है। तो उसमें पोर में से होता हुआ ये ब्लड बाहर जाता है और यहाँ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आता है हिपेटोसाइट में। तो जो एंडोथेलियल सेल ऑफ साइनोसॉइड और हिपेटोसाइट के बीच में जो फिजिकल स्पेस बन रहा है, वो फिजिकल स्पेस बहुत ही फिजियोलॉजिकल स्पेस में साबित होता है, क्योंकि मटेरियल एक्सचेंज वो स्पेस में होता है। तो वो जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड द स्पेस ऑफ डीसी। अब साइनस के अंदर आ जाते हैं, तो उसके अंदर कूपर सेल, ब्लड के अलावा उसमें हमें कूपर सेल मिलता है। कूपर सेल का काम मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो उसको एंगल करना, आरबीसी को एंगल करना, सेलुलर डेब्रिस को एंगल करना, और जो भी टॉक्सिकन सब्सटेंस के बाद पैथोजन को भी डेब्रिस करता है, वो वन ऑफ माय मैक्रोफेजेस, मैक्रो जो भी काम करते हैं वो ये मैक्रोफेज कूपर सेल करता है। इम्यूनोकस केमिकल्स भी रिलीज करता है, तो यहाँ से भी अल्टीमेटली सारा ब्लड का काम खत्म हो जाए तो सेंट्रल वेन में जाता है। सारे सेंट्रल वेन इकट्ठा होकर उसका जो भी कंटेंट है अल्टीमेटली वो हार्ट को रिलीज पहुंचा देती है। तो जो स्टमक या इंटेस्टाइन में से जो ब्लड आया था अल्टीमेटली साफ सुथरा होके हिपेटोसाइट स्पेस ऑफ डीसी की वजह से हिपेटोसाइट के कॉन्टेक्ट में आके साफ सुथरा होके अल्टीमेटली पोस्टेरियर के थ्रू आपने हार्ट को भेज दिया। अब हार्ट उसको लंग में भेजेगा, एडिएट करने के बाद पूरा सिस्टमिक में से पूरा बॉडी में जाएगा और आपकी हर बॉडी को पूरा शुद्ध और अच्छा पूरा प्योर ब्लड मिलने वाला है। आई होप यू एंजॉय दिस लेसन। सो हियर आई एंड माय टॉपिक। आई विल टेक अ फोटोग्राफ एंड ऑफ दिस एंड आई एम सेंडिंग यू फॉर योर रेफरेंस। तो ये इसका एक फोटोग्राफ लेके मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ। तो आई एंड हियर, जस्ट लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग, देन वी विल डिस्कस।